अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। भाई शामी एक बात बताओ, भाई शामी यही बात बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, मतलब एक जगह आ करके बस वहीं पे रुक गए हो, आखिर कर क्या रहे हो भाई वहाँ पे, मतलब टॉप पे चले गए, ठीक है मानता हूँ तुम टॉप पे चले गए, लेकिन टॉप पे जा करके उससे आगे बढ़े ही नहीं, बस वहीं पे खड़े रहे, ना नीचे गए ना ऊपर गए, और जितने भी सारे ब्रांड्स है वो धीरे धीरे करके खुद भी टॉप पे पहुँच रहे हैं, और एक दिन वो टॉप का फैसला भी पार कर जाएंगे और शामी तुम्हें क्रॉस कर जाएंगे और शामी तुम वहीं पर रह जाओगे। तो भाई शाओमी कर क्या रहे हो, अगर किसी भी ब्रांड की बात कर ले, चाहे वो आसूस हो, ओप्पो हो, रियलमी हो, या फिर वीवो हो, या फिर वन प्लस हो, सभी ब्रांड धीरे धीरे करके उभरते हुए नजर आ रहे हैं और शाओमी से भी अच्छे हार्डवेयर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शाओमी के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है दोस्तों? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शाओमी के लिए अब सबसे बड़ा जो खतरा है वो आ रहा है नोकिया की तरफ से। जी हाँ, नोकिया भी आजकल अपनी मार्केट में पकड़ बना रहा है और धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे फोन्स निकाल रहा है जो उस प्राइस रेंज में कोई भी नहीं देता, और आज उन्होंने लॉन्च कर दिया नोकिया का X7 चाइना में। जी हाँ दोस्तों, इस डिवाइस को तो उन्होंने लॉन्च किया चाइना में, लेकिन इंडिया में भी हो सकती है, और मेरा ऐसा मानना है कि जब ये डिवाइस इंडिया में लॉन्च होगी ये वन ऑफ द बेस्ट फोन बन जाएगा 20,000 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये जो डिवाइस है मैं मानता हूं कि इसका बेस वेरिएंट बहुत ही अच्छे से प्राइसिंग की गई है, हालांकि इसका जो हायर वेरिएंट है उसका प्राइसिंग मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, लेकिन जो बेस वेरिएंट है दोस्तों उसकी जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल ही सभी स्मार्टफोन को किल कर सकता है अगर इस एक महीने के अंदर नोकिया लॉन्च कर देता है इंडिया में उस फोन को जिसका नाम है नोकिया X7। और यह जो नोकिया X7 है दोस्तों MI A2 को किल करके रख देगा, यह जो नोकिया X7 है दोस्तों Redmi Note 5 Pro को किल करके रख देगा, और Xiaomi बस मुंह देखता रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि Xiaomi अभी कोई भी ऐसा फोन नहीं ला रहा है जो कि मार्केट में आजकल के कंपटीशन में कम्पीट कर सके, चाहे वो Realme से कम्पीट कर सके, चाहे वो दोस्तों नोकिया से कम्पीट कर सके, चाहे वो दोस्तों Asus से कम्पीट कर सके। अब आखिर ये Xiaomi वाले कर क्या रहे हैं? लेकिन दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं तो नोकिया के X7 के बारे में, तो नोकिया का जो X7 है बहुत ही अच्छा फोन है दोस्तों, जिसका अगर मैं हार्डवेयर की बात कर लूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिलता है 6.2 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला स्क्रीन, और यह जो स्क्रीन है 500 निट्स ब्राइटनेस तक सपोर्ट करता है, साथ ही साथ दोस्तों 1500:1 कलर रेशियो को सपोर्ट भी करता है, और यही नहीं दोस्तों इसका जो स्क्रीन है वो DCI-P3 कलर गैमट को भी सपोर्ट करता है, तो एक तरह से बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और नोकिया के प्रोडक्ट्स दोस्तों हमेशा बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी में होते हैं। अब अगर बात कर ले दोस्तों इसके हार्डवेयर के बारे में, तो यहाँ पे हमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर है ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, और इसमें आप AI का मजा भी बहुत ही अच्छे से उठा सकते हैं, और नोकिया ने इसी प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है अपने 20,000 से अंदर वाले फोन में। उसके बाद दोस्तों इसमें दो वेरियंट मिल जाती है, पहला है 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट, और जो दूसरा वेरियंट है वो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट। और दोस्तों इसकी जो बॉडी है पूरी मेटालिक से बनी है, और बैक में भी ग्लास है, फ्रंट में भी ग्लास है। अगर बात कर ले कैमरा का, तो बैक में मिलता है 12+13 मेगापिक्सल का कैमरा, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अजीब टाइप का है 12+13 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है वो एक डेप्थ सेंसर है जिससे आपको बोके इफेक्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। जो फ्रंट में है दोस्तों 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, और यह फोन 4K में रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, और यह फोन में आपको EIS के साथ साथ OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन भी मिलता है। तो इतना सारा कुछ दोस्तों इन्होंने कैमरा में दे दिया है, जो कि सोनी का IMX363 सेंसर के साथ आता है 1.4 माइक्रोन पिक्सल, और फ्रंट कैमरा में वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है दोस्तों। घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे, मतलब बहुत ही अच्छे से उन्होंने कैमरा को इनहांस भी किया होगा, क्योंकि उनके कैमरा में होती है कार्ल जेइस का लेंस, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट लेंसेस माना जाता है कैमरा के डिपार्टमेंट में। उसके बाद अगर बात कर ले इसके बैटरी के बारे में, तो 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है। अब आप कहेंगे ये कम नहीं है, देखो कम तो है अगर लिटरली कहे, लेकिन अगर आप MI A2 से कंपेयर करते हैं तो MI A2 में शायद 3100 या 3300 mAh के आसपास बैटरी थी, जिससे थोड़ी सी तो ज्यादा है, तो यहाँ पे 3500 mAh से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। ये दोस्तों रन करता है एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एंड्रॉइड 1 प्रोजेक्ट के साथ आता है, तो आपको एंड्रॉइड P का अपडेट भी मिलेगा, और उसके बाद एंड्रॉइड Q का भी अपडेट मिल सकता है, तो ये बहुत ही बड़ी चीज है दोस्तों। इतना अच्छा डिवाइस उन्होंने बनाया है यहाँ पे, जिसका नाम है नोकिया का X7। तो अगर बात कर ले आखिर इसकी प्राइसिंग कितनी है, तो जो 4GB 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट है दोस्तों वो है 1699 युआन, यानी कि 17,000 इंडियन रुपए, और जो 6GB 64GB स्टोरेज है दोस्तों
उसका थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने रख दिया है, वो है 25,000 रुपए के आसपास आता है। लेकिन जो बेस वेरियंट है दोस्तों, अगर 4.64 लॉन्च हो जाते हैं इंडिया में 17,000 या 18,000 या 19,000 के आसपास, तो ये MI A2 को किल करके रख देगा और बहुत ही जबरदस्त डिवाइस बन जाएगा। ओवरऑल दोस्तों मुझे ये डिवाइस बहुत ज्यादा पसंद आई और मुझे Xiaomi का फ्यूचर धीरे धीरे करके डगमगाता हुआ नजर आ रहा है जब जब ऐसे ऐसे डिवाइस जो है लॉन्च होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आप लोगों से बात करना था नोकिया के X7 के बारे में, जो कि एक किलर डिवाइस है, जो कि जबरदस्त डिवाइस है, जो कि बवाल डिवाइस है, जो कि झकास डिवाइस है। तो अगर आज की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। इस्तेमाल किया गया था बहुत ही दोस्तों कम, एक या दो ही डिवाइस है जिसमें नोकिया का साथ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही नया प्रोसेसर है जो कि बहुत ही कम डिवाइसेस में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से AI का मजा भी ले सकते हैं यह जो प्रोसेसर है बिल्कुल ही परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो नोकिया का साथ सुधा से आप अगर बात कर ले आखिर इसकी प्राइसिंग कितनी है, तो जो 4GB 64GB वाला बेस वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है चाइनीज युआन 1699 शायद 1799 जो भी है दोस्तों